रणवीर शौर्य ने अब एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया पर सना की जीत को लेकर बात कही है। दरअसल उस दिन जब फिनाले के बाद जो इंटरव्यूज थे उनमें उनसे सवाल सना को लेकर बहुत सारे पूछे गए थे और इन सवालों के जवाब में उन्होंने कहा था कि हमने बोला कि भाई आप तो उसे पसंद नहीं करते थे पर ट्रॉफी तो ले गई वो, तो मतलब जनता का प्यार मिल रहा है। तो यहाँ रणवीर ने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि जनता का तो नहीं पता, बिग बॉस का तो प्यार मिला ही उससे। अब वो तंज था या फिर सच में स्टेटमेंट एक कमेंट था, कॉम्प्लीमेंट था, ये तो नहीं पता, पर जिस अंदाज में उन्होंने बोला मुझे लगा कि वो एक तंज की तरह था। और ऐसे हर इंटरव्यू में उन्होंने उसकी जीत पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल उठाए, खुशी भी जाहिर की। अब उन्होंने अपने यूट्यूब पर इसको लेकर, और हमेशा रणवीर जी बोलते थे कि मैं चाहता हूं कि मैं बाहर आऊं तो सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बताऊं, और ये बात मैंने उनसे कही भी थी कि आपकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस ना होकर आप थर्ड नंबर पे गए, सोचिए अगर आपने बहुत अच्छा किया होता, मतलब बाहर आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स होते तो आप कितनी आगे जाते। और यही बात वो भी मानते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि बाहर आके वो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया पर प्रेजेंट रहूंगा। और ये चीज़ मुझे सच में अच्छी लगी कि रणवीर जी ने जो बोला था घर के अंदर वो पूरा किया, और मुझे उनका गेम सच में बहुत अच्छा लगा था। और मैं अभी भी ये मानती हूँ कि अगर उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छी होती तो वो हो सकता है कि फर्स्ट या सेकंड भी हो सकते थे, नो डाउट इस बारे में। तो ये देखिए वो बोल रहे हैं अब सना को लेकर भी बोल रहे हैं। से देखना चाहिए था अंदर जाने के पहले, बट मैं इस बेसिस पे जज कर रहा था सबको वहाँ पे, और इस बेसिस पे ही मैं किसी को पहले से नहीं जानता था, इसी बेसिस पे मैंने सबको जज किया। उनकी जो डिटर्मिनेशन और फोकस जो खुद कहती हैं, वाकई में वो जीते हैं, एंड आई विश ऑल द बेस्ट। और दूसरी न्यूज़ जो मैं देख रहा हूँ जो आप मैनेज करते हैं, बट ऑफकोर्स ये हो सकता है मेरी गलत फहमी थी, और क्योंकि मुझे शो थोड़ा और अच्छे से देखना चाहिए था अंदर जाने के पहले, बट मैं इस बेसिस पे जज कर रहा था सबको वहाँ पे, और इस बेसिस पे ही मैं किसी को पहले से नहीं जानता था, इसी बेसिस पे मैंने सबको जज किया। और मेरे हिसाब से इन पैरामीटर्स में सना को मैंने नहीं देखा कि घर का कोई एक्स्ट्रा काम करते हुए या किसी घर वाले के लिए कोई एम्पथी रखते हुए, और इस बेसिस पे मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से उनसे ज़्यादा लोग डिजर्विंग हैं। ऑफकोर्स बाई नो मीन्स मैं बिग बॉस पर कोई उंगली उठा रहा हूँ, इनफैक्ट बिग बॉस से तो मैं इतना डरता हूँ कि अभी मैं अगर बिग बॉस की आवाज़ सुन तो मैं खड़ा हो जाऊँ, और आई थिंक ये लाइफ भर रहेगा। सो बिल्कुल मेरा ये मतलब नहीं था, ये गलती मैं कभी नहीं कर सकता, ये गुस्ताखी मैं कभी नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर किसी ने ये हिम्मत दिखाई है तो वो सिर्फ एक्चुअली हमारी विनर सना मकबूल ने दिखाई थी एक बार, जब उन्होंने याद है सना ने हिम्मत दिखाई थी जहाँ पर उसको बोला था कि आपने बता दिया बाहर वाले हैं, तो उसे बोला नहीं नहीं नहीं। तो रणवीर ने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि उसका ये कहने का मतलब नहीं था कि बिग बॉस बायस्ड है, उसका तो ये कहने का मतलब था कि उसके पैरामीटर्स लोगों को जज करने के अलग थे, विच वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। तो अब रणवीर ने एक बार फिर से इन बारे में बात की है, तो आई थिंक रणवीर जी अब जब वापस आए हैं सोशल मीडिया पर तो एक चीज़ हमेशा वो अंदर कहते थे और कि अरमान मुझे भी बताना कैसे क्या, तो अब उन्होंने इस बात का भी प्रॉमिस किया है कि वो सोशल मीडिया पर रहेंगे ही। लेकिन सना वाली बात मुझे लगता है कि जब भी वो सामने होंगे तो पूछी जाएगी, और सना से रणवीर के बारे में। तो आप क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिख कर जो है ज़रूर बताइएगा।